तो उतार। अरे ये तो बताओ, ये सब तैयारियां हो किसके लिए रखी है? मेरे को क्या पता भाई, मेरे से क्यों पूछ रहा है बार बार तू? इतने सवाल आते कहां से तेरे पास? मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता है निराली जी शादी कर रही है। किसी की किस्मत ही फूटेगी जो उनसे शादी कर। अरे क्या हुआ, आप लोग इतना जल्दी क्यों आ गए? इमरजेंसी लग गई थी। मुल्क में? अबे नहीं यार, घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक है। निराली जी का फोन आया था ना, कह रही थी कि घर में कोई इमरजेंसी है। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं कुछ हुआ होगा। ये हो रहे थे ना, जलसा हो रहे, काम हो गया भाई? हाँ जी। आ गई तुम ऑफिस से? कब आई, अभी आई हो? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम यहीं रहो, आओ ना, अब मुझे बात करनी है ना, तुम आओ तो सही, क्या हो गया? आजो आजो आजो, इधर आओ ना। पास ना, क्या हुआ? What problem? क्या हुआ? हमारे में is everything all right? सब खैरियत है, सब ओके है। What do you mean? Don't be mean, Alina. Don't be mean. अरे वो तुम्हारी क्यों jealousy? हसद is not good for your health. पता, खून जलना शुरू हो जाता है। नहीं वो तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारा हक है मुझ पर, उसका उसका भी है। ये ज्यादती मत करो उसके साथ। तुम क्या चाहती हो कि सारी अटेंशन, सारी तवज्जो तुम्हें मेरे उसकी तरफ मैं देखूं बिना? ऐसा नहीं होगा। मैंने वादा किया था सेठ साहब से और वो मेरे लव यू थे, ये पे तुम दोनों में कोई फर्क नहीं रखूंगी। और उसके लिए तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम कि मैं अदालतों के चक्कर काटूं? मॉम, मैंने क्या किया? मैं क्यों खड़ी हूं यहां पे? चलो आउट, गो आउट। ओके, गो आउट। समझते नहीं, पागल हो गए सारे। ये देखो, ये क्या है? कि क्या है निराली जी, जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह दी कसम है, ये मेरा या अलीना का पुराना जोड़ा नहीं है। इसमें देखो टैग लगा हुआ है, इसके अंदर रसीद भी है। रंग पसंद, मुझे तो लगता है तुम्हें पसंद आएगा रंग, तुम पे बड़ा खिलेगा। रंग पसंद आया, चेंज करा लेना, रसीद इसके अंदर है। नहीं, ये बात नहीं है, पर अरे रखो ना, सब खुशी का दिन है आज। अरे वाह यार, तोहफा दे रही। अबे अजय जी का बर्थडे है। नहीं, क्यों फिर तोहफा क्यों दे रही है? पता नहीं क्यों, खुशी का दिन क्यों है आज, क्या है? हाँ जो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, बहुत खुशी का दिन है। वो कहा है ना किसी ने, क्या खूबसूरत बात कही है कि सारा चिड़िया तो चंबा है, बाबला था उठ जाना। बस मैं भी चाहती हूँ कि मेरी ये चिड़िया ससुराल दफा, मेरा मतलब है विदा हो जाए, और मैं कुछ नहीं चाहती। अरे तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो वेल सेटल्ड है, एजुकेटेड है और खूबसूरत भी है। लड़के वाले? हाँ अलीना, बहन को देखने लड़के वाले आ रहे। मैं कसम खाती हूँ इसके फौरन बाद तुम्हारी भी शादी कर दूंगी, बस तुम ट्रॉली लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो आज से ही। पर मॉम, नहीं, आज अगर सेठ साहब जिंदा होते हैं कितना खुश होते, खुशी के आंसू की आंखों में होते हैं। मैं कैसे सोया, उन्हें एक ना एक दिन सब होगा। फिर तुम और फिर ये अलीना, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी मुझसे, ये सोच सोच करके ये आंसू ना हो जाएगा। नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल खानी पड़ती है। रानी जी, मैं जानती हूँ तुम दोनों को मेरा बहुत ख्याल है, फिक्र करते हो। क्या करे, जिंदगी मौत तो उसके हाथ में है ना, मौत का और शादी का एक दिन मुकर्रर है। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन आंखों के बंद होने से पहले लाल जोड़े में दुल्हन बनावा यहां से जाता। निराली जी, नहीं निराली जी, तुम्हारे ये दो लफ्ज सोया सीने में
खंजर की तरह पैवस्त होते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन सेठ साहब ने मरने से पहले मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी एक तरह। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे माँ की जगह ही समझो, बल्कि माँ बाप ताया चाचा फुफी पड़ोसन सब सब समझो मुझे। और तुम दोनों ये मत समझना कि मैं इसे जान छुड़ाना चाहती हूँ हैं, और अरे अरे किसी भी जगह पे इसका रिश्ता कर दूंगी। अरे बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, उनका अपना शोरूम है। अरे तुम देखोगी तो बस तुम्हारी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। आते ना करो ज्यादा, चलो बहन को जाकर तैयार कर दे, आज उन्होंने आने देखने के लिए, उसके बाद फिर तू अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। हाँ ट्रॉली दी, जा जा जा, उसको ज्यादा अच्छा तैयार करना, खुद ना हो जाना। और मेरे सामने ये मजलूम बनने की एक्टिंग मत करें आप, सब जानता हूँ मैं। तुम चाहकर भी औरत को कभी मजलूम नहीं समझ सकते, आखिर अमीर किसका है? ठीक कहते हैं, बीवी को पहले दिन से ही कंट्रोल में रखो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। लो। और कितनी देर लगेगी? बस हाफ एन आवर। असरा कहाँ है? उसे तो तुम्हारे साथ आना था ना। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, छोड़ के आ गया। ये सेफ्टी हो सके तो एक सेफ्टी पिन अपनी जिंदगी को भी लगा लीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद ऐसा नहीं करेंगी, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। स्वर्जी दिन आपका है तो फैसला भी आप ही का होना चाहिए ना। क्या तो यहां बैठ के रोती रही है, क्या पे नीचे जाकर थोड़ी हिम्मत दिखाई और बताइए उन्हें कि आप क्या चाहती हैं। सुरेश ओकी बिल्कुल ठीक है, यू नो हमने हमेशा तुम्हारा साथ। लेकिन ये जंग तुम्हें अकेले लड़ना होगी, वो भी फ्रंट लाइन से, किसी के भी सहारे के बगैर। शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है? तो मतलब कोई भी अरा गहरा नथु गहरा आएगा उसके साथ चल देंगी आप, क्योंकि गलत बात नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि शादी करना कोई गलत बात नहीं है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी शादी नहीं कर सकती ना मैं, अभी अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करने, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने, फैशन डिजाइनर बनने और फिर आगे अपनी मर्जी से शादी करनी है। यही बात ना हर लफ्ज ऐसे ही जाके निराली जी के सामने कह दीजिए। और बीच में ये बात भी डालिए, बचपन से लेके आज तक हर चीज आपकी पसंद के हिसाब से की है, लेकिन ये शादी है, ये फैसला मेरा होना चाहिए, मैं नहीं करूंगी ऐसा। हाँ लेकिन इसे कभी कोई लड़का भी तो पसंद नहीं आया ना। हाँ तो उसके लिए अपनी आंखें खोल के इर्द-गिर्द देखना पड़ता है ना।
दिल का दरवाजा खोलेंगी तो ही तो दिखेगा ना। शट अप, क्यों ओवररिएक्ट कर रहे हो? मैं ओवररिएक्ट नहीं कर रहा हूं। आप बता दीजिए ना, आप चाहती क्या है? शौकी तुम? हाँ मैं सोया जी, मैं अपने हाथों ते ला दे मेरे नादी मेहंदी, लिशका मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा नैंदी, सपना मेरा सच हो जावे रब्बो यही मंगदा, तारे गिण के रात कट दी दिन मेरा नहीं लंगदा, चन तो भी ज्यादा। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, इतनी देर क्यों लगा रहे? लड़के वाले आ गए हैं। रोंदे रहंदे ने मेरे नैन दिल घबरावे, आ जावे आ जा मेरी जान चली ना जावे। शीते जी, डायमंड का सार तो जन्म लग रहा है। चुप कर जा। बैठ जा जी, बैठ जा। आवे पुत्र, की कर दे की ओ, लस्सी शस्सी पी दे ओ। आ गई साड़ी भैन आ गई। बैठिए 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 बैठिए, आ जा बह जा। मुंडा आया, माँ प्यो भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया निराली जी, सेठ साहब का तो सुना था और आज आपसे भी मुलाकात हो गई। वैसे जिस तरह और जिस काबिलियत से आपने अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश की है, वह काबिलियत ऐसी है। तो पुत्र जी, तुसी दसो के कर दे हो, कम शम दसो। मेरा गाड़ियों का शोरूम है। गाड़ियों का शोरूम? ते फिर ओ अपना ममिया ससुर दी प्राडो तो पक्की हो गई है। वाइट प्राडो चाहिदी। आओ क्यों जी, मको आओ आओ। चलो कोई गल नहीं, ब्लैक भी चलेगी। है हैं। आंटी, वैसे तो मैं मॉम डैड के कहने पे यहाँ चला आया हूँ, लेकिन हम काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। नॉर्मली तो लड़कियों से पूछा जाता है कि उनको क्या बनाना आता है क्या नहीं, क्या वो अच्छी बहू बनेंगी या नहीं, लेकिन आप मुझसे जो चाहे वो पूछ सकती हैं। यार ऐना सावगो बंदा, मैं तो हैरान हूँ। चलो तो फिर असी भी डायरेक्ट सवाल पूछ लेने। गल सुन भाई पुत्र, तू घर दमाद बनने के लिए तैयार है? जी मैंने ब्रॉड माइंडेड कहा, बेगैरत नहीं। ये मेरे पाया ने ना इनको मखौलिये ने इनको ना कॉमेडी करने का बहुत शौक है। ट्रेजेडी में भी कॉमेडी करते हैं ये। मजाक कर रहे थे जी। मजाक? आहो मैं मजाक। से चाय पिए जी। गर्मा गर्म चाय आ गई जी। हाँ जी शाहरुख, आप मशहूर डिजाइनर शाहरुख हैं ना? बड़े ताज्जुब की बात है कि आपकी शक्ल सेम और डिजाइनर शाहरुख से मिलती है, वही शश के ब्रांड वाला। अभी रिसेंटली मैंने हैदराबादी सूट सिलवाया उससे। क्या वो तो शक्लें तो मिल ही जाती है ना किसी ना किसी से। पर आंटी जी, मजा तो तब आता जब उसकी और मेरी किस्मत मिल जाती। कहाँ वो बड़ा वाला हीरो और कहाँ मैं छोटा वाला जीरो नौकर। देखिए और डबल है मैं शौकी। हैं जल्दी से जरा जोया जोया बीबी को बुला के लाओ। यस मैम, अभी आ जाओ बेटा जाओ। ये तो जी घर पे काम करता है, हमारे यहाँ सर्वेंट है जी। ये आपको गलत फहमी हुई है। आ गई आ गई आ गई। ये है जी हमारी जोया। आ जा पुत्र,
मेरी भांजी है जी, अपना मैं मामा है दा, है ना जी? मामा लग ले। बैठो बैठो। चश्मे बदूर। मॉम, रिश्ता डन कीजिए। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? उम्र कैद से पहले तफ्तीश तो कर ले। ओ ये मेरी भांजी है ना, इनू भी एक्टिंग का बड़ा शौक है, ते भाई कॉमेडी एक्टिंग कर रही है। आई लाइक गर्ल्स विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट आई हेट बॉयज विद दिस हेयर स्टाइल। काफी अंकल वाली फील है। बेटा क्या क्या बना लेती है? मैं आंटी जी वो सब कुछ कर लेती हूँ जो नहीं करना चाहिए, और वो तो बिल्कुल ही करती हूँ जिससे मना किया जाए। मजाक कर रही है, मामे पे गई है कॉमेडी। सो या क्या मौत का टीका लाया बेटा? ऐसा खाना बनाती है ना ये, जायका ही जायका है इसके हाथ में। और जी वो भी करती है, डिजाइनिंग करती है कपड़ों, क्या अच्छे कपड़े बनाती है जी। बाजी बहुत टैलेंटेड कुड़ी है साड़ी आहो। बेटा हम तो बिजनेस रिलेटेड ड्राई से लोग हैं। वैसे ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी आने वाली बहू आर्टिस्टिक भी हो और मल्टी टैलेंटेड भी हो, तो क्या बात है। कोई बात ही नहीं है अंकल जी, अगर आप ड्राई हैं तो अभी बारिश करवा देते हैं, मुझे वैसे भी बारिश के गाने गाने का बहुत ही शौक है। मुझे तो कसम से इसने कभी नहीं सुनाया, इसको तो सुर में रोना भी नहीं आता। तो ये शौक कैसे पड़ा आपको? निराली जी, अब मेरा मतलब है माँ जी, माँ जी बहुत अच्छा गाना गाती है, तो जब उस्ताद जी इनको गाना सिखाते थे तो मैंने भी चुप चुप के सीख लिए बारिश के गाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन बारिश का ही गाना क्यों? अरे पुत्र जी, गाने दा बोल तो बारिश से ही बनता है। वैसे कुड़िये तू ओ आरिफ लोहार दा गाना नहीं है का नवा? आ तेनू मांच करावा ओ सुना बे। है है तो फिर सोया जी कुछ हल्का सा ही सुना दीजिए। माँ जी इजाजत दें तो सुना दो। हाँ हाँ तो सुना लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब ठीक करूंगी। आप गाना तो अच्छा गा लेती हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इनसे अकेले में क्या बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ गन्ना करो, रज के करो। जोया टॉक चलिए। हाँ। तो पुत्र वो इधर ना, हाँ इधर कॉरिडोर में या गार्डन में। गार्डन ही जाओ। बैठिए। नहीं प्लीज आप बैठिए। अरे बैठिए। अरे आप बैठ। अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। तो मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगी आप? नहीं, अब मेरा मतलब है कि क्या करना है पूछकर पूरी जिंदगी पड़ी है जानने के लिए बाया सुहारी बहरा। नहीं वो अक्सर अरेंज मैरिजेस फेल हो जाती हैं, जब लड़के और लड़की के बीच में कंपैटिबिलिटी ना हो तो। अरे बहरा, लव मैरिजेस भी ऐसे ही फेल हो जाती हैं, जबकि यकीन मानिए क्या तबाही की कैपेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग होती है। मेड फॉर ईच अदर लगता है मर ही जाएंगे एक दूसरे के बाद, लेकिन फिर क्या होता है, शादी खत्म, प्यार खत्म, सब खत्म। जस्ट ऑन द सेफ साइड मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ। अच्छा बस बस। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? छोड़े ना, बताइए ना। अरे जाने दीजिए ना। अरे प्लीज बताइए ना, क्या आदतें हैं आपकी? तेरी आदतें? वही आदतें बस सादी सी हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक है, खाना मुझसे घर में खाया नहीं जाता, और शायद भी बिल्कुल मेरे जैसा। कौन? शायद मेरा पांचवा फ्रेंड, पहले चार की ना मुझे समझ नहीं आई और उनको शायद मेरी समझ भी नहीं आई, लेकिन शायद की और मेरी आदतें बहुत मिलती थी। हम अक्सर रात को स्निक आउट करके बाहर चले जाया करते थे,
लेकिन फिर मेरा दिल भर गया। अगर वो तैमूर छोटा बीच में ना। करीना का बेटा? बड़े फिल्मी हैं बहराम आप तो। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि करीना ने शाहिद को क्यों छोड़ा। नवाब साहब का बेटा था ना तैमूर, इसे सब कुछ ठीक था तैमूर में, लेकिन उसको पता लग गया कि मेरे साथ कुछ नफ्सियाती मसले हैं। दोहरे पड़ते थे ना अक्सर, इस टाइप की कंजर्वेटिव फैमिली के बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़े साइको पेशेंट। तो दवाइयां मैं खा रही हूँ वो मस्तानी है, लेकिन तैमूर एक दफा उसके सर पे तो मैंने ग्लास ही मार छोड़ा। लेकिन जो साद था ना, साद अच्छा वाला था, लेकिन वो बेचारा थोड़ा गरीब था। अब बैठे ना, छोड़े ना उसको, रहने ही दे, अंदर चलते। चलिए चलिए चलिए, प्लीज भाई सर, प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, आफ्टर यू सर। आप आइए ना। Let's go.